आप लोग आई होप कि आप बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम्स बीएससी नर्सिंग 2024 की हम बात करेंगे, और यहाँ पे हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम, और एग्जाम के बाद एडमिशन प्रोसेस में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं रिक्वायर्ड होंगे, तो सारे टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे। यदि इस वीडियो में आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हो, और साथ ही साथ ये जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स आपको बताने वाले हैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल फॉर्म में होने चाहिए। कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं होना चाहिए जो आपका ओरिजिनल हो, ठीक है, मतलब ओरिजिनल नहीं हो। यदि आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आप नहीं लेके जाओगे तो वहां पे आपको नुकसान हो जाएगा, आपका एक साल बर्बाद हो सकता है। चाहे आप कितना भी अच्छा स्कोर कर लो, लेकिन यदि आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई गलती होगी और यदि आप कोई भी डॉक्यूमेंट सही टाइम पे नहीं दे पाएंगे तो वहां पे आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए ताकि आपको सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर एग्जाम, एग्जाम में और एडमिशन टाइम में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स वो रिक्वायर्ड होंगे। तो सबसे पहले आपको जब एग्जाम से पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके लगे थे, अब एग्जाम के बाद आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं। तो सबसे पहले 10th का आपके पास मार्कशीट होना चाहिए, वो ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। उसके बाद 12th की बात करें तो 12th में आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन स्कोर पूछा जाता है। क्वालिफिकेशन स्कोर क्या होता है, यदि आपका इतने परसेंटेज से ऊपर है तभी आप इस एग्जाम में दे पाएंगे और इस एग्जाम में आप एडमिशन प्रोसेस कर पाएंगे, एडमिशन ले पाएंगे, जिसमें आपको यदि आप ओबीसी और जनरल से बिलोंग करते हो, ओबीसी और जनरल से बिलोंग करते हो तो आपका 55% होना चाहिए, जो ये चार सब्जेक्ट को फिजिक्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री और इंग्लिश को मिला के इतना स्कोर होना चाहिए। और वही एससी एसटी की बात की तो 50% आपके 12th में होने चाहिए। तो ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हो गया। उसके बाद आधार कार्ड, वोट, पैन कार्ड या कुछ भी इनमें से एक वैलिड आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। आप उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो आपके वैलिड डेट में होने चाहिए। जैसे कि ये बात करें जनरल के अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो आप ओबीसी से बिलोंग कर रहे हो, ईडब्ल्यू से बिलोंग कर रहे हो, उसके साथ एससी एसटी से बिलोंग कर रहे हो, तो इनके सबका वैलिड डेट में होना चाहिए। मतलब ओबीसी, एनएससीएल और ईडब्ल्यूएस का जो वैलिड डेट है उसमें होना चाहिए, और एससी एसटी को वैलिड डेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है, नहीं होती है, ओके। और इसमें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गया आपको, सेंट्रल जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद वैलिड डेट में होना चाहिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फोटोज होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, और जो भी आपने फोटोज एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई वही फोटोज आपके यहाँ पे होनी चाहिए, ओके। और यदि आप फिजिकल हैंडीकैप में है तो ये आपको आपके उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, और टीसी आप इस्तेमाल कर, जो भी आपकी टीसी है वो आप ले सकते हो। तो ये सारी चीजें आपको एग्जाम के बाद आपको जब एडमिशन प्रोसेस के लिए जाएंगे तब आपको रिक्वायर्ड होगी, ठीक है, ये चीज आपको समझ में हो गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे एग्जाम टाइम में आपको कौन कौन सी चीजें हैं वो लेके जानी है, एग्जाम टाइम में आपका कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाला है। तो एग्जाम के टाइम में आपका 3 ही डॉक्यूमेंट्स लगेगा, जिसमें आपका एडमिट कार्ड, ये आपका कलर प्रिंटेड होना चाहिए, जिसमें आपका कलर फोटोज है, जो आपकी फोटो सिग्नेचर है वो क्लियरली आपका शो होना चाहिए, और आपकी जो है आईपी एड्रेस आपका सही से दिखना चाहिए उसमें, ठीक है। उसके साथ ही साथ आपका जितना भी सेंटर है वो सारी चीजें आपकी क्लियर दिखेंगी। तो उसके लिए आप जो है इसकी 3 कॉपीज निकाल लेना, जो आपको यहाँ पे एक सेंटर पे दिया जाएगा, उसके बाद 2 आपको रिक्वायर्ड होगी एडमिशन प्रोसेस और काउंसलिंग प्रोसेस के टाइम, ठीक है। तो इस एडमिट कार्ड का 3 फोटोज आपको निकाल लेना, क्योंकि उसके बाद ऑफिशियल वेबसाइट से ये एडमिट कार्ड हट जाएगा, तो अभी आप 3 कॉपीज इसके निकाल लीजिए, ठीक है। उसके साथ ही साथ फोटो की रिक्वायर्ड हो सकती है, तो फोटोज आप अपनी निकलवा लीजिए, जो फोटोज आपने एप्लीकेशन फॉर्म में लगाया वही फोटोज आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड होगी, ठीक है। तो ये 3 चीज समझ में आ चुकी है, ये 3 चीज आपको आई होप अच्छे से समझ में आएगा, ये आपको एग्जाम टाइम में आपको रिक्वायर्ड होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्यूरिंग काउंसलिंग या एडमिशन प्रोसेस के टाइम। तो एडमिशन प्रोसेस के टाइम जितने ये हमने डॉक्यूमेंट्स बताए इनके अलावा कुछ और डॉक्यूमेंट्स अब रिक्वायर्ड होंगे, जैसे कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम, फिजिकल वेरिफिकेशन के टाइम ये रिक्वायर्ड होगा। उसके साथ ही साथ कुछ और डॉक्यूमेंट्स है जो आपको एडमिशन टाइम के टाइम पर आपको रिक्वायर्ड होगी, इनमें से ये है रैंक कार्ड, एडमिट कार्ड, ठीक है। एडमिट कार्ड मैंने बता दिया, अभी आप एक कॉपी रख लीजिए। उसके बाद रैंक कार्ड स्कोर कार्ड ये आपका आ जाएगा, जब आप एग्जाम कंप्लीट हो जाएगी तब आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा, आपका रैंक कार्ड जारी किया जाएगा, तो उस टाइम पर आपको हो जाएगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो अलॉटमेंट लेटर आपको मिलेगा, एडमिशन लेटर आपको मिलेगा, और फीस स्ट्रक्चर जो आप फीस पेमेंट करेंगे उसकी आपको रिसिप्ट चाहिए होगी, ठीक है। तो ये आपका एडमिशन प्रोसेस के टाइम चाहिए होगा। तो आई होप इस चीज समझ में आ चुकी है, ड्यूरिंग एग्जाम एडमिशन प्रोसेस के टाइम कौन कौन से। तो 5 डॉक्यूमेंट्स आपके एडमिशन टाइम पे ये हो गए, और उसके साथ ही साथ 7-8 डॉक्यूमेंट्स जो आपने ये बताए ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको रिक्वायर्ड होंगे जब एडमिशन प्रोसेस के लिए। और उसके बाद हम बात करें यहाँ पे एग्जाम टाइम में, तो एग्जाम टाइम में 3 डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने हैं, जो आपको मैंने पहले की वीडियोस में भी बता दिया। तो चलिए आज के आई होप ये सारी चीज़ें समझ में आ चुकी होगी, डॉक्यूमेंट्स के बारे में एक भी आपको डाउट नहीं रहा होगा। और जो भी कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसका वैलिड डेट होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, एसएसटी को वैलिड डेट नहीं होती। तो चलिए आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप चैनल पर नए हो, वीडियो को पहली बार देखें तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक।